अस्सलाम वालेकुम दोस्त लोग, इस बार आपके लिए लेके आया 316 कैमरा न्यूज में पायलट एरा के बारे में, जो कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा। और ये कैमरा में बहुत सारी खासियत है, तो आइए एक एक करके इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला वीडियो शूट को ले लेते हैं। तो वीडियो में आप लोगों को 8K तक का रेजोल्यूशन मिलेगा, जो कि 8K में आपको 24 FPS मिलेगा। उसके बाद में वीडियो शूट में आपको 6K है जो कि 30 FPS पे, और जो 4K है वो 60 FPS पे आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो है वो आपको वीडियो रेजोल्यूशन है। आपका फोटो रेजोल्यूशन है 10K के फोटो है और 8K के फोटो है। 8K के फोटो और वीडियो के सैंपल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां जाके आप लोग व्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली 8K का किसी के पास स्क्रीन नहीं होगा, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन मेन ये है कि आप लोग 1080p या जो भी है उसमें भी देखेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि कलर कैप्चर जो है बहुत अच्छा कर रहा है, शार्पनेस बहुत अच्छी है। और इसकी खासियत यह है कि इस कैमरा में 4 लेंसेज हैं और टच स्क्रीन है। तो जी, आपने सही सुना, 4 लेंसेज हैं और टच स्क्रीन है, तो आप इसको मोबाइल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग को अगर कुछ चेंज करना है, जैसा वीडियो टू फोटो जाना है, फोटो टू वीडियो जाना है, या लाइव जाना है, तो आप लोग टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। अब लाइव जाने की बात की है, तो लाइव के अंदर आप लोग को वाईफाई कनेक्शन मिलता है, आप लोगों को RJ45 कनेक्शन मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। RJ45 इसके लिए क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि 8K रेजोल्यूशन का अगर आप लाइव वीडियो जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए, और वाईफाई से बेटर आपको RJ45 यानी कि अपने नेटवर्क केबल से आपको ज़्यादा अच्छा स्पीड मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर ही इनबिल्ट रोम है 64GB का, और अप टू 256GB तक एक्सपांड कर सकते हैं आप लोग इसको। और सबसे मेन बात यह है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए वो इंटरनली ही प्रोसेस होगा, यानी कि 8K वीडियो इंटरनली ही स्टिच होगा। प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छा है। अब प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा वो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास यूनिट नहीं है, लेकिन शायद आगे चल के आएगा तो मैं आप लोग को बता पाऊंगा कि प्रोसेसिंग टाइम यूनिट कितना है इसका। उसके बाद में मेन चीज जो है वो है इसकी प्राइस, जो कि काफ़ी हाई है, पर इसके जो फीचर हैं उसके हिसाब से ये प्राइस काफ़ी मायने रखता है। प्राइस है अराउंड $3000, यानी कि इंडिया के हिसाब से अराउंड मोर देन 3 लाख रुपीज़ के आसपास होगा। और इसके साथ साथ मतलब एक फीचर जो मैं मिस कर गया बताने को, वो है कि इसके अंदर एम्बियंट साउंड आप लोग कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई लेफ्ट साइड पे स्नैप करता है तो लेफ्ट साइड सुनाई देगा, कोई राइट साइड पे स्नैप करेगा तो राइट साइड पे सुनाई देगा। अगर आप लोग VR हेडसेट के अंदर इसको सुन रहे हैं और हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। तो ये सारे फीचर आपको इस कैमरा के अंदर मिलेंगे, और ये जो कैमरा है वो अगस्त एंड तक लॉन्च हो जाएगा ऐसा बताया गया है। होप सो कि अगस्त एंड तक लॉन्च हो जाए। और इसका फेसबुक पेज भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ मिलती रहेगी, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए पायलट एरा 360 कैमरा की न्यूज़ बस इतनी ही, और चलिए शब खैर।